अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू अनदर लेसन। दोस्तों आज के इस लेसन में आप सीखेंगे 50 छोटे छोटे मगर बहुत ही दिलचस्प फिकरात। तो दोस्तों अगर आपको इस लेसन की पीडीएफ फाइल चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से इस लेसन की पीडीएफ फाइल डाउनलोड करके बाद में आप इस लेसन को रिवाइज भी कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेसन, लेट्स बिगन। हमारे पास फर्स्ट सेंटेंस है, तुमने झूठ क्यों बोला। तुमने झूठ क्यों बोला, इसको हम इंग्लिश में ऐसे बोलेंगे, Why did you tell a lie? Why did you tell a lie? झूठ बोलना मेरी मजबूरी थी। It was my compulsion to tell a lie. It was my compulsion to tell a lie. Lie के साथ हम tell a lie का यूज करते हैं और compulsion का मतलब होता है मजबूरी। It was my compulsion, ये मेरी मजबूरी थी, to tell a lie, झूठ बोलना। तुम उससे क्यों मिले। Why did you meet her? Why did you meet her? उससे मिलना मेरी मजबूरी थी। It was my compulsion to meet her. It was my compulsion to meet her. उस दिन तुम यहाँ क्या कर रहे थे। What were you doing here that day? What were you doing here that day? मैं यहाँ कुछ नहीं कर रहा था। I was doing nothing. I was doing nothing. तुम्हें यहाँ सब कुछ मिलेगा। You will get everything here. You will get everything here. सब कुछ मेरा है। Everything is mine. Everything is mine. मैं आज ऑफिस नहीं जाऊंगा। I will not go to office today. I will not go to office today. मेरे सर में दर्द है। I have a headache. I have a headache. तुम्हें कौन सा कलर चाहिए। Which color do you want? Which color do you want? कोई भी कलर चलेगा। Any color will do. Any color will do. मुझे ये कलर भी पसंद है। I like this color too. I like this color too. मेरे पास इसका जवाब नहीं है। I don't have answer for this. I don't have answer for this. उसने मुझे रुलाया। He made me cry. He made me cry. बात करने की कोई जरूरत नहीं। No need to talk. No need to talk. तुम कैसे जीते। How did you win? How did you win? उसने मुझे जीतने दिया। He let me win. He let me win. मैं हारने वाला था। I was about to lose. I was about to lose. मैंने जीतने की कोशिश की। I tried to win. I tried to win. मैंने पूरी कोशिश की। I tried my best. I tried my best. जीतना आसान नहीं था। It was not easy to win. It was not easy to win. मैंने हार मान ली। I gave up. I gave up. Give up का मतलब होता है हार मान लेना, शिकस्त तस्लीम कर लेना। यहाँ पे हम वर्ब की सेकंड फॉर्म यानी पास्ट फॉर्म यूज करेंगे, give. I gave up mean मैंने हार मान ली। तुम्हें हार नहीं माननी चाहिए थी। You should not have given up. यहाँ पे हम वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करेंगे, यू शुड नॉट हैव गिवन अप। तुम जीत सकते थे। यू कुड हैव वन। यू कुड हैव वन। तुमने कोशिश नहीं की। यू डिडंट ट्राई। यू डिडंट ट्राई। इसको आप डिडंट भी बोल सकते हैं और अगर कॉन्ट्रैक्ट किए बगैर यूज करें तो डिड नॉट होगा। यू डिड नॉट ट्राई। यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट करके हम इसको डिडंट या फिर डिडंट बोल सकते हैं। यू डिडंट ट्राई और यू कैन से यू डिडंट ट्राई। मैं और क्या कर सकता था। व्हाट एल्स कुड आई हैव डन। व्हाट एल्स कुड आई हैव डन। तुम कोशिश कर सकते थे।
You could have tried. You could have tried. उसने सोचा. He thought. यहाँ पे भी हम verb की past form, second form use करेंगे. Think की past form या फिर second form होती है thought. उसने सोचा mean he thought. मतलब के उसने past में सोचा. उसने मुझे देखा. He saw me. ये दोनों sentences past indefinite के हैं. मैंने गाड़ी चलाई. I drove a car. ताली मत बजाओ. Don't clap. तुम गूंगे हो. Are you dumb? यहां पे हम be silent करेंगे और इसको हम dumb पढ़ेंगे. Are you dumb? ऐसे ही. That's how. इसी तरह हम इसीलिए के लिए that's why का यूज करते हैं. हम that के साथ is को कंट्रैक्ट करके आगे how या फिर why लगा देते हैं. That's how या फिर that's why. ये सड़ा हुआ है. It is rotten. मेरी नकल मत उतारो. Don't mimic me. मिमिक या फिर मिमिक्री, इसका मतलब होता है किसी दूसरे की नकल उतारना. डोंट मिमिक मी. गुनगुनाओ मत. डोंट हम. मुझे शक है. आई हैव अ डाउट. यहां पे हम डाउट में बी साइलेंट करेंगे और इसको हम डाउट बोलेंगे. आई हैव अ डाउट मतलब कि मुझे शक है. चाय बन रही है. The tea is being made. मेरे पीछे मत आओ. Don't get after me. दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि इस लेसन को बाद में रिवाइज कर पाएं तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से जाके इस लेसन की पीडीएफ फाइल डाउनलोड करके अपने पास सेव कर सकते हैं. डोंट गेट आफ्टर मी मीन मेरे पीछे मत आओ. खड़े होने में मेरी मदद करो. हेल्प मी स्टैंड अप. क्या होगा. What will happen? जाने में वक्त लगा. It took time to go. उसे नाम से बुलाओ. Call him by his name. बाल कटवाओ. Get your hair cut. रातों रात. Overnight. तुम्हारी मौजूदगी में. In your presence. मुझसे बाहर मिलो. Meet me outside. मैं जाता तो हूँ. I do go. यहाँ पे हम थोड़ा सा जोर देने के लिए, एम्फेसाइज करने के लिए डू का यूज करते हैं. अगर हम डू का यूज ना करें तो इसका उर्दू मीनिंग इस तरह से होगा. मैं जाता हूँ. आई गो. लेकिन मैं जरूर जाता हूँ या फिर मैं जाता तो हूँ, इसके लिए हम डू का यूज करते हैं. आई डू गो. मैं उससे मिलता तो हूँ. आई डू मीट हर. दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आज का ये लेसन आपको पसंद आया होगा. तो अगर आपने इस लेसन की पीडीएफ फाइल डाउनलोड करनी है ताकि बाद में आप इस लेसन को रिवाइज कर पाएं, ताकि बाद में आपको सेंटेंसेस ढूंढने में प्रॉब्लम ना हो, तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से इस लेसन की पीडीएफ फाइल डाउनलोड करके अपने पास सेव कर सकते हैं. तो दोस्तों, इंशाल्लाह मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ. तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर.